खड़ा हो गया था बस यहाँ पे ऐसे। अच्छा वो अंदर पे चक गई थी, लाइट वाली थी वो, बेस्ट थी, उससे ऊपर कभी i20 बढ़िया आएगी नहीं। रिवर्स गियर लगाते हुए इसमें कभी कभी अटकता है। ओके आपको लगता है चीज़? हाँ ये चीज़ लगती है। देखो मैं अगर बात करूँ, मैं इसको 163 पे ले जा चुका हूँ, पर ये लॉक है उसके आगे। अच्छा डीजल वाला वो चाहिए पिकअप, वो इसमें नहीं मिलेगा। आपको ये लगा लो 60-70 से ऊपर आपको काफ़ी अच्छा वेट मिलता है, काफ़ी अच्छी उसमें हैंडलिंग। अगर मैं बात करूँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की, तो ये 8-10 की देती है, बस 8-10। बट वही उसका रिफाइनमेंट उसमें बिल्कुल बेकार थी, गड़गड़ करता है उसका इंजन बिल्कुल। दोस्तों वैसे तो भाई आज के टाइम में इंडियन कार मार्केट पूरी से डोमिनेंट है एसयूवी में, जिसमें भाई माइक्रो एसयूवी से लेके भाई कोई भी उसकी रेंज ही नहीं है। लोग ना मैक्सिमम एसयूवी ही लेने पसंद कर रहे हैं, पर कुछ लोग हैं जो कि प्रीमियम हैचबैक या फिर भाई कॉम्पैक्ट हैचबैक लेते हैं। उसमें ना प्रीमियम सेगमेंट के एक हैचबैक है i20। भाई i20 का जो उसका प्रीवियस वर्जन था जो एलाइट, वो सबसे ज्यादा बिकता था, लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। पर जब इसका ये वाला फेस आया तो यार लोगों में ना बड़ा भाई कंफ्यूजन थी, इसको ले ना ले, खासकर लुक्स को लेकर ना भाई लोगों ने बहुत कुछ बोला। पर यार अगर आप i20 लेना चाह रहे हो और मन में कोई कंफ्यूजन है, तो यार वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। भाई उससे पहले करना चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना इस वीडियो को लाइक। तो यार इस मुहिम के साथ कि आपके पैसे ना जाए बेकार, आप ले एक अच्छी कार, बुलाते इस कार के ओनर को। तो समीर जी वेलकम टू आरएनके ऑटोज। थैंक यू भाई। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले ना, जैसे हमारे सारे व्यूअर जानते हैं, अपने हर एक ओनर को एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं, तो भाई देखिए छोटा सा गिफ्ट और गिफ्ट के साथ ना छोटा सा इंट्रो और हो जाए आपका। हाँ जी, तो भाई मेरा नाम समीर यादव है, ठीक है। बाकी भाई i20 हम ओन करते हैं, प्लस भाई हमारा भी यूट्यूब चैनल है टर्बो हाउस के नाम से, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम भी कार रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करते हैं, ड्रैग रेसेस, रिव्यूज़ वगैरह। हम ये कह सकते हैं भाई समीर ने मतलब खुद का एक चैनल है, उसके बाद इसने i20 ली तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। हाँ, और पूरी तरीके से निचोड़ दिया होगा, एकदम रिसर्च करके लिए एक एक चीज़ का मतलब जवाब है मेरे पास, आप जो भी पूछोगे। तो समीर जी सबसे पहला जो ना आंसर जो कि मैंने अपने इंट्रो में पूछा क्वेश्चन जी, यार नैनो एसयूवी आ रही है, माइक्रो एसयूवी आ रही है, छोटी से छोटी आ रही है, 5,99,000 में भाई निसान मैग्नाइट एसयूवी कह के बेच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार कैसे इस पे पहुंचे, कैसे ले लिए? हाँ जी, तो चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि इस कार को यूज़ करने से पहले हम i10 यूज़ कर रहे थे। ओके। Hyundai की गाड़ी थी, मतलब Hyundai की है, तो ग्रैंड i10 हम यूज़ कर रहे थे 2016 वेरिएंट। ओके। तो हमें थोड़ा मतलब पता था कि भाई Hyundai की क्या Hyundai प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, मतलब जो बिल्ड क्वालिटी की बात करें अगर, ठीक है, प्लस फिट एंड फिनिश इंटीरियर वाइज एंड फीचर वाइज भी मतलब काफ़ी बढ़िया था। तो हमें थोड़ा पता था कि भाई Hyundai पे हमें थोड़ा ट्रस्ट बन गया था, मेन बात यह है। तो जब हम गाड़ी लेने निकले, हमारा बजट था 9-10 लाख रुपए तक का। okay. ठीक है, तो सही जैसा कि आपने कहा एसयूवी के बारे में भाई सोच, 10 लाख में तो यार वेन्यू भी आ जाती है अच्छी खासी उसमें कल से। बिल्कुल। तो हमने थोड़ा रिसर्च करा, तो हम थोड़ा चले कि सब 4 मीटर एसयूवी और प्रीमियम सेट ये अपनी हैचबैक, इस पे हम आके रुके कि इनमें से कोई एक ली जाएगी। तो जब हम ये अपना एसयूवी देखने निकले, तो वेन्यू सोनेट, ठीक है, यही थी ब्रेजा हमारे पास। ब्रेजा भी, हाँ उस टाइम पे ब्रेजा नई वाली आई हुई थी, ठीक है। बाकी उस टाइम पे फ्रोंक्स नहीं आई थी, तो उससे पहले की बात है। तो जब हमने थोड़ा एक्सप्लोर करा कि 9-10 लाख के बजट में, तो हमने ये देखा कि भाई जो एसयूवी हम लेना चाह रहे हैं, जैसे कि वेन्यू का एस वेरिएंट आ जाता है, अपना सोनेट का एचटी के प्लस वेरिएंट ऐसा कोई आता है 1.2 लीटर इंजन के साथ, और नेक्सॉन भी आ जाती है आपकी। हाँ नेक्सॉन भी उसके कुछ मतलब ले देखे कॉम्पैक्ट एसयूवी आ जाती। हाँ आ जाती, बिल्कुल आ जाती, लेकिन दिक्कत क्या थी कि फीचर्स की थोड़ी कमी लग रही थी हमको, प्लस जैसे कि अपना जो वेन्यू है और सोनेट है उसमें 1.2 लीटर का NA इंजन है, उसमें थोड़ा अंडर पावर्ड हो जाता है। इसमें ठीक है, मतलब इसकी अगर मैं बात करूं मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा भी नहीं सोच सकते, ये बहुत तेज भक्ति है। तो जैसे कि ना बढ़िया है इसमें, हाँ वो उस पर अभी हम आएंगे, जैसे कि आप कह रहे हो ना फीचर्स वाइज वगैरह, हाँ, आपको उसमें कब लगा? हाँ, तो यार ये कौन सा वेरिएंट है और कितने की आपको पड़ी? ये है स्पोर्ट्स वेरिएंट, ये मेरे को 2023 में ली थी, .9 लाख रुपए की मेरे को पड़ी थी। ओके ठीक है, तो हमारा मतलब ये था कि हम एस्टा वेरिएंट भी सोच रहे थे, इससे ऊपर आता है, वो पूरा 1 लाख रुपए महंगा था। तो जो मेरे फादर हैं, तो उन्होंने सोचा कि भाई 1 लाख रुपए बच रहा है और फीचर्स हमें उसमें एडिशनल काफ़ी मिल रहे थे, मेरे लिए काफ़ी बढ़िया था वो फीचर, लेकिन उनके लिए काम के नहीं थे। तो उसमें आपको सनरूफ मिल जाती है, यहाँ पे प्रोजेक्टर आपको हेडलैम्प, मतलब गेमिंग फीचर्स हम कह सकते हैं। पर यार समीर भाई मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, यार आपने जैसे 9 लाख वगैरह इसमें लगा दी, जी जी जी, आप कह रहे हो कि भाई एसयूवी जो कॉम्पैक्ट थी उसमें ना बेसिक फीचर आ रहे थे, इसलिए आपने उसको छोड़ दिया। हाँ। तो यार इसमें ना एक आपका अल्ट्रोज भी ऑप्शन था जी, और एक बलेनो, जो कि इन तीनों बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है। हाँ जी, तो हमने वो भी कंसीडर करा था। अच्छा, मतलब बलेनो का तो देखो ये था कि बलेनो सबसे दबा के देख ली थी क्या उसे? हमारे पास फ्रेंड्स में काफी सारी बलेनोज हैं, तो मतलब ये भी है कि भाई हमारे यार दोस्तों में कोई एक बार साइड पे ऐसे खड़ा हो गया था बस यहाँ पे ऐसे, अच्छा वो अंदर पे चक गई थी, और वो ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा डेंट, अंदर से हाथ मारा वापस भी आ गया, तो आप अंदाजा लगा लो हाथ मार के मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। okay. इसमें ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि हमारी ग्रैंड i10 की उसकी भी काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी थी, ठीक है। तो बलेनो का हमारा एकदम वो था कि
अगर देखी जाएगी लेनी होगी तो, एल्ट्रोज की रही बात आपकी, तो उसमें आता है 3 सिलेंडर इंजन, वो सबसे मेजर उसका ड्रॉबैक है, बाकी ऐसी बात नहीं, बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत तगड़ी गाड़ी है वो, उसकी हैंडलिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, बट वही उसका रिफाइनमेंट उसमें बिल्कुल बेकार थी, गड़गड़ करता है उसका इंजन, बिल्कुल मज़ा नहीं है उसमें। तो यार सबसे पहले ना इसके फ्रंट से शो करते हैं जी भाई, बिल्कुल। तो सबसे पहले ना यार जो हेडलैम्प्स है ना उसके ना यार बहुत प्रीवियस जो ओनर्स ने उन्होंने i20 के लिए ना इतना कुछ बोला कि यार भाई दिखता ही नहीं है रात को खासकर इसमें, तो लोगों ने व्हाइट लाइट लगवाई और फिर सामने वाले को दिखना बंद हो गया क्योंकि सबके मुंह पे पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इसकी हेडलाइट को लेकर? देखो मैं इसकी हेडलाइट्स के बारे में ये कहना चाहूंगा, Hyundai की आप जो टॉप सेगमेंट को छोड़ के नीचे की कोई भी गाड़ी उठा लो, बिलो 10 लाख कह रहे हो आप, हाँ हेडलाइट का थ्रो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ हम पुरानी ग्रैंड आइटन में भी फेस कर रहे थे, इसमें भी हम लगभग फेस कर रहे हैं, 19-20 का ही फर्क आया है। तो इसमें प्लान है कुछ अपग्रेड करने का, अभी के लिए मतलब ठीक है, काम चल रहा है बस। ओके हाँ जी। तो यार अब ना जैसे कि आपने ना इसको ना अल्ट्रोज को ना वो क्या कहते हैं उसके ड्रॉबैक्स बताए, उसके बताया कि भाई 3 सिलेंडर इंजन है, आप कह रहे हो भाई मैंने इसको ना इंजन के लिए ही लिया, तो उसे 1.2 लीटर वही कापा वाला इंजन आता है, 4 सिलेंडर इंजन है इसमें, और पावर की बात करें लगभग 82 BHP वगैरह पावर जनरेट कर रहा है। हाँ जी। तो यार पावर वाइज ना क्या है, क्योंकि ना लोगों ने वही इसके बारे में बोला है कि ना इनिशियली ना काफी लैग है इसके। देखो अगर आपको पावर चाहिए तो उसके लिए इन्होंने N-Line निकाल रखी है, तो वो फिर सिर्फ पावर के लिए, उसमें पावर आपको भर के मिलती है 2 लाख से ऊपर जी, वो फिर आपको उसका बेस मॉडल लगभग 11-11.5 से स्टार्ट होता है, तो वही आपको 2-2.25 लाख रुपए महंगी मिलती है, ठीक है। अब मैं एक्चुअली अगर बात करूँ, देखो अगर आपकी सिटी की रनिंग है एंड आपकी हाईवे की थोड़ी बहुत रनिंग है, तो ऐसा वो नहीं है कि अगर आपको देखो एकदम डीजल वाला वो चाहिए पिकअप, वो इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, इसमें नॉर्मल मिलेगा, थोड़ा टाइम लेती है, 1.5-2 हज़ार RPM के बाद अच्छा पिकअप है, उससे नीचे थोड़ा लैग है क्योंकि गाड़ी का वेट भी इसमें अच्छा खासा है, लगभग 1150 kg की वेट करती है। वैसे तो यार इसका जो इंजन है ना बड़ा फेमस है कि भाई साइलेंट है, हाँ, पर मैं ना लाइक हमने इतनी चला ली इसको तो ना इंजन में ना अंदर जब आप बैठते हो इन कैबिन नॉइज वगैरह जी फील होता है हाई स्पीड वगैरह में। मैं आपको सुनाऊंगा, आइडल पे भी सुनाऊंगा, बाकी आप चला के देखेंगे तब भी आप सुनना। ओके तो मतलब क्या है वैसे? मतलब भाई बहुत शांत रहती है, एसी जब ऑन करते हैं तब थोड़ा बस हल्का फैन की नॉइज वगैरह भी आती है, अदरवाइज कोई नॉइज नहीं है। ओके और इस इंजन का ना मैक्सिमम समीर ने कितनी स्पीड पे लगाई है? देखो मैं अगर बात करूं मैं इसको 163 पे ले जा चुका हूं, पर ये लॉक है उसके आगे, अच्छा जाएगी मतलब मीटर में दिखा रखा है 200 प्लस हाँ, जाती नहीं है, कैपेबल है इंजन पर इनका मतलब वहीं से कंपनी से ही लॉक है, तो ये थोड़ा इसमें सीन है। ओके उस ऊपर जाते हैं, तो जब 163 पे आप गए हाँ, तो टर्निंग रेडियस की मैं जानना चाहूंगा, बॉडी स्टेबिलिटी की मैं जानना चाहूंगा, बहुत अच्छी है, मतलब मेरे को ऐसा था कि मतलब खींचती चली जाती है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हैंड इसका जो स्टीयरिंग का फीडबैक है काफी इंप्रूव हुआ है पहले से, हमारी जो ग्रैंड थी उसमें बहुत पुअर था, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव है, मतलब आपको ये लगा लो 60-70 से ऊपर आपको काफ़ी अच्छा वेट मिलता है, काफ़ी अच्छी उसमें हैंडलिंग का आपको मिलता है इसमें, प्लस इसमें टायर की वेट भी 195 है तो अच्छा है इसमें है, वो चीज़ सही लगी हाँ। पर यार जैसे कि मैंने पहले अभी कहा कि ना इसके ना जो इंजन की बात करते हैं हाँ, लोगों को जैसे लैग वगैरह लगा जी, तो एक बार ना कौन से मैं जाना चाहूँगा i20 के हाँ। लोग मेनली भाई इसके इंजन अंडर पावर ही इसको कहते हैं हाँ हाँ, तो क्या ये सच में कौन है? मैं बताता हूँ, वो देखो उसका क्या सीन है, इस सेगमेंट की अगर बात करें तो देखो बलिनो आपके पास आ जाती है, बलिनो का वेट की अगर मैं आपको बात करूँ 950 किलो की गाड़ी है, वो वही 1200 cc इंजन 950 किलो और वही 1200 cc 1050 में, मतलब 1000 या 1100 कुछ है, तो फर्क वहीं आ जाता है। बलिनो आप चलाओगे काफ़ी हल्की उठने में, काफ़ी क्विक है, लेकिन वहीं थोड़ी हैवी हो जाती है, तो बस थोड़ी वो डाउन हो जाती है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, अंडर पावर्ड आप कह सकते हो पर सेगमेंट के हिसाब से हैवी भी है वो। ओके अच्छा ना जैसे लोग ना कॉम्पैक्ट एसयूवी लेके जो प्रीमियम हैचबैक्स लेते हैं वो इस चीज़ को कंसीडर करते हैं कि अंदर ना कंफर्ट बहुत अच्छा होगा, हाँ जी, तो मैं एक बार कंफर्ट वाइज जाना चाहूंगा अंदर ये क्या है, 4-सीटर है 5-सीटर है उस ये से देखो ये आप कह सकते हो अगर पीछे वाली सीट पे लग 5-5-5-6 के लोग 3 जने आराम से बैठ सकते हैं। ओके आराम से आपकी आपकी हाइट कितनी है? मेरी 6 फुट है। 6 फुट है तो आप जैसे 2 लोग बैठ जाएंगे तीसरा कोई बच्चा ही बैठ पाएगा। अच्छा हाँ तो मतलब आप 4+1 कहना चाहोगे इसको? हाँ जी। ओके और इसके अगर हम बूट की स्पेस की बात करें तो कितना स्पेस है? 311 समथिंग आता है मेरे हिसाब से जितना मैं शोर हूँ, तो बूट स्पेस ठीक है एवरेज, मतलब बलिनो में भी शायद 13-8-9 लीटर ज़्यादा स्पेस सफिशिएंट है। हाँ सफिशिएंट है इसमें, हम जैसे लॉन्ग ट्रिप से ले जा चुके हैं इसको तो सामान अपना ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, सामान पूरा आ जाता है। और समीर भाई अभी ये कितनी चल चुकी है कितना? अभी ये कल ही मैं इसकी 20,000 की सर्विस करवा के लाया। ओके चलो ये तो अच्छी, वो पेड थी या क्या थी? ये लेबर फ्री थी, बाकी इंजन ऑयल और बाकी बैलेंसिंग वगैरह का वो सब इन्होंने लिया था। तो Hyundai के साथ जुड़े आप, शोरूम से गाड़ी खरीदी हाँ जी सर्विस तक जी, एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, सर्विस में भी आपको सब कुछ बताया जाता है कि भाई इस चीज़ का हम प्राइस लेंगे आपसे,
इंजन ऑयल भी आपको उससे पूछा जाता है कि हम ये डालें या ये डालें, ठीक है, नॉर्मल सब कुछ आपकी मर्जी के बाद ही होगा, ऐसा कुछ नहीं कि अपने आप से कुछ भी चल रहा है ऐसे। और बाकी सर्विस टाइम भी बहुत कम था, मतलब अच्छा खासा इसमें काम है। खर्चे की अगर मैं बात करूँ, मैंने पे करे कल जो मैं पे करके आया हूँ 6800 पे करके, ओके, जो कि नॉमिनल कॉस्ट है। एक आप 1200 बस थोड़ा इसमें लेबर एडेड नहीं है, एक चीज आप नोट जो कि फ्री थी। हाँ तो लेबर करके मेरे ख्याल से कितना 7500 के करीब आ जाएगा, लेबर एड करके लगभग आप 800 मान सकते हो जो मेरा एक्सपेक्टेड है। अगली बार से हमारी पेड सर्विस स्टार्ट होगी तो वो लगभग 800 तक जाएगी मेरे हिसाब से। अच्छा एक बार ना इसके डिजाइन लैंग्वेज की बात करना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा इंट्रो में कहा था जी लोग फैन थे इसके लाइट वाले वर्जन, जी 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 आग लोग इतना उसको खरीदा गया, मतलब वो हमेशा टॉप सेल पे रहती थी। और पर जब ये आया फेस तो लोगों ने इसके लिए बहुत कुछ बोला, चीज बताता हूं। तो ये बस ओनर के उस नजरिए से बता दो मैं डिजाइन लैंग्वेज कैसी है। देखो डिजाइन में कोई कमी नहीं है। अब मैं एक चीज बताऊं, जैसे भाई देखो हमको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है कि बेस्ट एकदम बेस्ट होता है। अब बेस्ट से ऊपर आप क्या अच्छा बना सकते हो, वो जो एलाइट वाली थी वो बेस्ट थी, उससे ऊपर कभी i20 बढ़िया आएगी नहीं हुंडई में, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। तो वो है कि भाई डिजाइन इसकी भी काफी अच्छी है लेकिन वो बेस्ट थी, आपको भी लगता है बिल्कुल। अच्छा एक और जो चीज ओनर कंप्लेन करते हैं इसकी माइलेज को लेके, कहते हैं कि यार बड़ी गाड़ी चला लो वो भी कम माइलेज देती है और ये चला लो वो भी कम ही देती है। हाँ जी, इसका जो सबसे पहले हाँ, तो माइलेज को लेके ना आपका सिटी में क्या रहा है हाँ जी, और हाईवे पे क्या एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल माइलेज जी। देखो अगर मैं बात करूँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की तो ये 8 से 10 की देती है, बस 8 से 10। हाँ मतलब फुल गर्मी है, एसी चल रहा है, 8 से 10 की देगी। थोड़ा ये मान लो कि खुला खुला चल रहे हो आप तो ये 13-14 तक की भी देती है सिटी में। ओके हाईवे पे ले जाऊं तो बहुत शानदार एवरेज है, 21 की एवरेज मैंने निकाली है, 21 की और बहुत बार निकाली है। वाह ये बिल्कुल लाइट फुट पे। हाँ मतलब इसको लगा दो आप 80 से 90 के बीच में क्रूज पे लगा दो तो आराम से निकलती है। ओके हाँ, और जैसे कि मैनुअल आपका आता है हाँ जी, ट्रांसमिशन 5C ट्रांसमिशन इसमें आता है। और एक बार मैं इसका ना ट्रांसमिशन वाइज जानना चाहूंगा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। ट्रांसमिशन गियर शिफ्ट काफी स्मूथ है इसके, और जो कि क्लच का जो ट्रैवल है वो कैसा है। ट्रैवल इसका अभी मैं मीडियम बोलूंगा, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, कि जैसे होंडा में आपको बहुत कम देखने को मिलता है, वॉक्सवैगन वगैरह में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, मीडियम में कहूंगा। प्लस ट्रैफिक में पैर में दर्द होता है? ट्रैफिक में नहीं है सच तो, कोई कभी मेरे को दिक्कत नहीं आई। ओके हाँ। और कभी जर्क फील हुआ है आपको लाइक गियर शिफ्ट करते हुए ऐसा कुछ जर्क, या फिर खासकर रिवर्स गियर लगाते हुए? रिवर्स गियर लगाते हुए इसमें कभी कभी अटकता है गियर। ओके हाँ। आपको लगता है चीज? हाँ ये चीज लगती है। ओके तो यार एक बार इस गाड़ी के अंदर चलते हैं और हिमांशु जी ना इसके अंदर की जो कहानी है ना वो जान लेते हैं। चले भाई चलो भाई आ जाओ साइड आ जाओ शुरू है। तो भाई अभी हम आ रखे हैं i20 के उस वेरिएंट पे जो सबसे ज्यादा दिखता है, मतलब इसका जो स्पोर्ट्स वेरिएंट सबसे ज्यादा दिखता है। तो है ना एक बार ना लाइक आपको एक साल हो गया लगभग उससे ज्यादा हो चाहते हुए, तो डैशबोर्ड की जो क्वालिटी ना ओवरऑल वो कैसी रही अभी तक आपके लिए? देखो डैशबोर्ड की क्वालिटी में आपको ऐसा कुछ खास नहीं देखने को मिलता। ब्लैक है सबसे पहले तो, जो आपका 2023 में जो अगस्त में आया वेरिएंट उसमें डुअल टोन में मिलता है आपको। ओके ठीक क्रीम कलर हाँ, ये इसमें आपको पूरा ब्लैक देखने को मिलेगा। बाकी ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसा लेदर टच कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और प्लास्टिक की क्वालिटी कैसी है, सॉफ्ट है कैसा? नहीं हार्ड प्लास्टिक है सारा। ओके और जैसे ना इसके जो कंपटीशन रहता है उससे अल्ट्रोज से हाँ जी, उसके ना कुछ टाइम बाद 6-7 महीने बाद लोगों ने बोला कि ना यार जो चू चू की आवाज है प्लास्टिक में या फिर पैनल गैस बहुत ज्यादा टाटा की कार्स में, इसके क्वालिटी वाइज कैसे है? इसमें भाई ऐसा मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं, पैनल गैस आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ मतलब इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी आपको ऐसे कभी आवाज वगैरह लगी? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है और बाकी इसका टर्निंग रेडियस वगैरह कैसे रहता है, जैसे कि हम तो इसको मोड़ के देख ही रहे हैं भाई अभी। हाँ थोड़ा मतलब है कि टाइट अगर वो है कट तो एक बार पीछे लेनी पड़ती है। और बाकी यार इसके जो स्टेयरिंग का रिस्पांस है थोड़ा आपको हार्ड साइड लगेगा, पर ये आपको ना भाई थोड़ा ना अश्योरिटी भी देता है। मैंने ऐसे भी देखा है कुछ लोगों को तो भाई लाइट कहते हैं कि इनका स्टेयरिंग लाइट है, पर वो ना जो कहते हैं ना कि भाई मजा आना चलाते हुए गाड़ी को या फिर एश्योरेंस देना वो चीज़ नहीं है। बाकी क्लच की बात करें, क्लच का थोड़ा ट्रैवल ज़्यादा है और गियर शिफ्ट यार मेरे को तो भाई मक्खन लग रहा है। इंजन जो है ना, इंजन और जो गियर का जो उनका सिंक रहता है हुंडई की कार्स का काफी अच्छा रहता है। और भाई किसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करवाया अभी तक आपने? भाई बस अभी थोड़े थोड़े टाइम में बस कॉस्मेटिक लुक स्टार्ट होंगे, जैसे लाइट्स वगैरह का अलॉयज वगैरह का प्लान है थोड़े टाइम में। और भाई अभी हम जैसे कि गड्ढे वाले रोडों पे हैं, तो यार सस्पेंशन वाइज अभी तक समीर की क्या कहानी रही है इसकी? कि मैं अगर बात करूँ थोड़ा इसका स्टिफ है। ओके ठीक है, आपको जैसे सिटी वाले बम्प्स हैं थोड़ा सा धीरे निकालो तो इतना झटका फील नहीं होगा, तेज निकालोगे तो बिल्कुल झटका फील होगा इसमें। ओके वहीं आप हाईवे पे निकल जाओ तो भाई हाईवे पे जैसे फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं नीचे उतरते हैं तो उसमें जो इसकी स्टेबिलिटी है बहुत तगड़ी है। ओके बाकी यार हम जैसे गड्ढे वाले रोड पे चल रहे हैं तो ठीक है आपको महसूस तो होंगे, पर भाई मतलब अगर इसी रोड पे आप थोड़ा तेज निकलोगे तो अच्छे खासे आपको फील होंगे। ये चीज है, बलिनो मैंने चलाई है उसमें आपको थोड़ा सॉफ्ट साइड मिलती है कंपैरिजन में। बिल्कुल
अब आगे यार समीर भाई इसकी ना ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं। हाँ जी, आगे इसमें डिस्क आता है, पीछे ड्रम आता है। हाँ जी, तो पैनिक ब्रेकिंग वगैरह लगाई अभी तक कुछ? पैनिक ब्रेकिंग का ऐसा कम ही मौका मिला है, बट अदरवाइज इसमें ब्रेक से मेरे को 1% भी शिकायत नहीं है। ब्रेकिंग से नहीं है? नहीं, बिल्कुल Hyundai नहीं की है। जो जो i20 जो प्रीवियस वर्जन थी ना, हाँ जी, उसमें बारिश वगैरह होती थी जब आप इनिशियली निकालते थे, तो ना इशू आया था कि ना ब्रेक ना लॉक हो जाते थे। अच्छा, आपको इसमें लगा ऐसा कुछ कि नहीं अभी तक तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा। ब्रेक लॉक के वगैरह ऐसे कोई इशू नहीं लगा? नहीं नहीं ब्रेक वाइज आपको सही लगी? हाँ ओके जी, बिल्कुल। okay, बाकी पीछे कपिल बैठा हुआ है। यार कपिल पीछे कैसे कंफर्ट है भाई i20 का? ठीक भाई ठीक है, लगा? बढ़िया है भाई। तुम दो जने बैठे हुए हैं? हाँ, तुम अपनी सीट अच्छे एडजस्ट करके बैठे हो, हमारे पैर आगे बिल्कुल बहुत गैप है पैरों। ये चीज तो है भाई, थोड़ा रियर स्पेस का ही बोल सकते हैं। बलिनो में आपको थोड़ी और ज्यादा स्पेस मिलती हाँ, है, बट इसका भी ऐसा नहीं है कि आप एकदम मतलब दब के बैठे हो। स्पेस ओके है, ओके से बढ़िया ही बोलूंगा। तो यार समीर भाई 20,000 किलोमीटर को चला लेना एक साल में काफी ज्यादा होता है, उस हिसाब से अभी तक ना आपको मेजर प्रोज और कॉन्स क्या लगे इसके? हाँ जी, देखो प्रोस तो मैं इसका, देखो फीचर वाइज मैं आपको बताऊँ, इसमें देखो सब कुछ ही मिल जाता है आपको, तगड़ा ये कंपनी सिस्टम। इनबिल्ट है? हाँ, कंपनी में वायरलेस कार प्ले है इसमें, ओके ठीक है। क्रूज कंट्रोल इसमें आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स इसमें आपको मिल जाते हैं, ओके टायर प्रेशरिंग मॉनिटर वो TPMS मिल जाता है, ओके कोल्ड ग्लव बॉक्स वगैरह मिल जाता है, कोल्ड ग्लव बॉक्स भी है? हाँ जी, सनग्लास होल्डर मिल जाता है, आर्म रेस्ट वगैरह मिल जाता है, ये सब आपको मिल जाता है। बाकी जो टॉप वेरिएंट वाले फीचर इसमें नहीं आते, सनरूफ नहीं आती, एक अलॉय व्हील्स नहीं आते। हालांकि इसका जो टायर साइज है वो सेम टू सेम अलॉय व्हील के साइज वाला है, 16 इंच के टायर मिलते हैं। 16 इंच के काफी सही है। हाँ जी, और जैसे आपने तो वैसे मेरे को प्रोस बता दिए, कौन से क्या रहने वाले? कॉन्स का देखो, मैं कॉन्स का ये बताना चाहता हूँ। एक जो इसमें दिक्कत है वो सिर्फ i20 में दिक्कत है। अब जैसे आप इसका दरवाजा खोलो एक बार, ये वाला, ठीक है, इसको आराम से बंद करो आप, ये देखो ये बंद नहीं होगा। ओके हाँ ये हर i20 में दिक्कत है। अब देखो, रुको रुको रुको, मैंने शीशा को हल्के से आप बंद करो, वैसे बंद हो नहीं जाता है। ओके हाँ मतलब, अच्छा, हाँ एयर एयर हाँ कॉल, हाँ हाँ ओके हो गया। अच्छा, ये इस दिक्कत है बस मैं थोड़ी ये बड़ी यूनिक दिक्कत बताई आपने। हाँ, और कुछ कौन आपको उसमें लगे? अदरवाइज देखो क्या कौन हो सकता है, इसमें अपना रिफाइनमेंट काफी अच्छी मिलती है हमको, ठीक है। पिकअप के मामले में मैं इसको मीडियम बोलूंगा, बहुत ज्यादा मतलब भगाने के टाइम पे फिर वही आपको RPM खींचने पड़ेंगे तब जाके भगेगी, ठीक है। ओके अंडर पावर्ड ऐसा मतलब लिटिल बिट आप बोल सकते हो, पर ऐसा भी नहीं कि भाई गाड़ी उठती नहीं बिल्कुल। पर समीर 8 की माइलेज मिलना मेरे ख्याल से ये भी कौन नहीं कहलाएगा सिटी में, क्योंकि हाँ, यार मैं मेरे पास क्रेटा है, हाँ तो जी मैं क्रेटा से भी लगभग 10-11 निकाल लेता हूँ हाँ बम्पर जी टू हाँ बम्पर, तो उस हिसाब से हाँ ये है थोड़ा मतलब, जैसे सिटी में जैसे आप हैवी ट्रैफिक में निकल रहे हो और आपको जैसे मतलब बार बार रुकना है तब थोड़ी कम एवरेज है, लेकिन आपको अगर लगातार चलना है तो ये अच्छी एवरेज देती है। ओके अब जैसे कि आपने बोला 21 भी निकाली है मैंने हाँ, इससे। मैंने सिटी में मोस्टली लगभग 12 से 13 की तो आराम से निकालता हूँ। आज मैं अभी थोड़ा आया हूँ, जो गड्ढे थे बहुत रास्ते में, जाम वाम बहुत था, इसलिए बस ये दे गए। तो समीर जी 10 लाख में एक साल में 20,000 किलोमीटर ओवरऑल एक्सपीरियंस आपने बताई दिया, जी तो फाइनली ना अगर फिर से 10 लाख रुपए आपको मिलते हैं, हाँ आपका जी दोस्त आता है एक, कहता ले हाँ 10 लाख रुपए पर मुझे प्रीमियम हैचबैक ही चाहिए, जी, तो समीर क्या ला के देगा आज के टाइम देखो में? हैचबैक के, हैचबैक नहीं मैं चूज करूंगा फ्रॉन्क्स, ओके फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट। हालांकि उसमें भी थोड़ी बहुत चीज़ें कमी है, उसमें कैमरा नहीं आता, ठीक है, आर्मरेस्ट नहीं आता, बट उस गाड़ी की लुक्स मेरे को बहुत पसंद आई थी। जब यस मैं ये गाड़ी लेने निकला था ना, तब फ्रॉन्क्स आई नहीं थी, उसका बस ये आया था कि आने वाली है, बुकिंग स्टार्ट हुई थी, तो मैं पता नहीं था भाई कि कितना क्या प्राइस आएगा इसका, इस वजह से फिर हमें हमने ये ले लिया, अदरवाइज फ्रॉन्क्स आती। ओके और एक दो चीज मैं पूछना भूल गया आपसे, इसका जी ग्राउंड क्लियरेंस? ग्राउंड क्लियरेंस इसका 170 mm है, आज तक मेरी टच नहीं हुई है, आज तक टच नहीं हुई नहीं टच 20,000 किलोमीटर चलाने के बिल्कुल, बाद भी? आज तक कभी टच नहीं है। ओके और फाइनली आउट ऑफ 5 स्टार कितना रेट करना चाहेंगे आप इसको? 5 स्टार मैं इसको रेट कर दूंगा 4, आराम से 4। ओके 4 स्टार मतलब 1 स्टार आपने किसका काटा, यही सब थोड़ी परफॉर्मेंस हाँ, वगैरह सब ना? हल्का वही है देखो, जैसे स्पीड लॉक लगा हुआ है, मारुति वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है, आप खुला भगाओ जितना भगानी है। और पहाड़ों में कैसी परफॉर्मेंस है इसकी? पहाड़ों में भी गई है, तो पहाड़ों में मैं नहीं गया था, पापा ले गए थे, तो ठीक थी परफॉर्मेंस। ठीक है, तो भाई यही थी कहानी यहाँ पे i20 के उस वेरिएंट की जो सबसे ज़्यादा दिखता है स्पोर्ट्स वेरिएंट, और समीर भाई ने अपनी पूरी भाई कहानी उस बता दी। बाकी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो भाई का चैनल है, क्या नाम भाई चैनल का? टर्बो उसके नाम से, उस पर जाओ भाई को रीच आउट करो, सवाल पूछो i20 के बारे में और भी सवाल पूछो, भाई भी एक हाँ जी ऑटो ब्लॉगर ही है। तो थैंक यू समीर जी आ रहे हैं ऑटो सुनाने के लिए और अपना बिल्कुल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और जाते जाते भाई वीडियो करना है लाइक, चैनल करना है सब्सक्राइब, और प्यार भाई को भी बरसाओ बिल्कुल भाई, और इस थैंक चैनल यू। पर बरसाओ।